कैन साहब एक बात बताइए, आज की डेट में बहुजन समाज के दलित समुदाय के लोग जितने भी होते हैं उनको मंदिरों में घुसने की अनुमति नहीं होती है, तो क्यों नहीं उस जो भगवान जिनको दलित बताया जाता है उनको भी मंदिर के बाहर ही भेज दिया जाए ताकि बहुजन समाज के लोग भी बाहर ही दर्शन कर लें? क्या बोलेंगे इसके ऊपर आप? मेरा तो ये कहना है जब मेरा विश्वास नहीं है देवी देवताओं पर तो हम लोगों को वहाँ जाकर अपनी एनर्जी और समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिन मंदिरों को हम बनाते हैं बनाते हमें और जब पूजा करने की बात आती है तो हमें रोक दिया जाता है ये कहकर ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये देवता तुम्हारे नहीं है। और जब वोट लेने का अधिकार आता है, समय आता है, जैसे योगी ने राजस्थान में जाकर शेड्यूल कास्टों की गैदरिंग में ये कहा कि हनुमान जी दलित थे, तो भाई आज तुम्हें दलित याद आ रहा है वोट की खातिर? वोट की खातिर तो डॉक्टर अम्बेडकर को भी ऐसा ही कहेंगे ये, अगर संविधान तो एक उसने बनाया वोट के लिए कह रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के एक्सपर्टीज को नहीं मान रहे, उनके सिद्धांतों को नहीं मान रहे, लेकिन जब वोट की बात आती है तो बाबा साहब के अनुयायियों पर जाके कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर तो हमारे ही थे, ये थे और वो थे, ये सिर्फ राजनीति है वोटों की, वरना ना इन्हें हनुमान जी की दलित जाति से कुछ लेना, ना बाबा साहब के अनुयायियों की भावना से लेना, इन्हें वोट चाहिए और वोट की खातिर ये तुम्हें मंदिर में भी नहीं जाने दे रहे और मंदिर में प्रवेश कराने के लिए आगे भी आते हैं दिखावे के लिए। माननीय कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति जी अभी राजस्थान के एक मंदिर में गए और उनको वहाँ पर मंदिर के पुजारी ने दर्शन नहीं करवाए वहाँ की मूर्ति पर क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट थे। ये बड़ी निर्लज्जता की बात है, देश के राष्ट्रपति एक शेड्यूल कास्ट होने के नाते वो देश के प्रथम नागरिक भी हैं, अगर उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करवा के पूजा करवाई गई और उनसे ये मुँह से कलवा दिया गया कि मेरी पत्नी के पैर में घुटने में दर्द था वो चढ़ने में असमर्थ थी, तो इतनी दूर कैसे चली गई राजस्थान में 20 सीढ़ियाँ कैसे चली गई, 10-5 सीढ़ी चढ़ने में क्या हो रहा था? वो 10-5 सीढ़ी का सवाल नहीं है, मनों का भेद है कि शेड्यूल कास्टों को मंदिर प्रवेश नहीं होना चाहिए। देश के राष्ट्रपति के साथ में जब ये हो रहा है तो आम जनता के साथ में क्या होगा, इनकी भावनाएं नहीं बदली हैं, ये वही के वही हैं जो कल थे वही आज हैं। ये तो राजनीति में वोट का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया जिसकी वजह से ये हमें गले लगा रहे हैं, वरना ना तो इन्हें हनुमान की जाति दलित से लेना ना दलित लोगों से लेना है, सिर्फ वोट कैश करने का है कि ये चतुराई का एक ढंग है और कुछ नहीं। मैं इसकी आलोचना करता हूँ और ऐसे लोगों के ऊपर तो मुकदमा चलना चाहिए जो अपने हिसाब से अपने अवसर के हिसाब से इन देवी देवताओं का जातिकरण कर रहे हैं और अपना उनकी ओर खींच रहे हैं लोगों को।